बारिश रुकने के बाद में हमने यात्रा शुरू की है, लेकिन यहाँ पे शायद एक यात्री को घोड़े ने गिरा दिया है जो घोड़े पे बैठा हुआ था। ये लीजिए सुपरस्टार रजनीकांत दर्शन के लिए आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष फिर से हाजिर हूँ लेके एक और वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा केदारनाथ जी की यात्रा। यात्रा की शुरुआत के लिए हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट, और इस यात्रा पे मेरे साथ में आए हैं मिस्टर हिमांशु, जो मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा भैया, ऑसम प्लेस। नदी है, सब है। अभी ऊपर चलना है 16 किलोमीटर में, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अभी यात्रा की शुरुआत से पहले हम यहाँ पे जो तप्त कुंड है, गर्म पानी का जो स्रोत है, वहाँ पे स्नान करेंगे, नहाएंगे, और उसके बाद में भोले बाबा का नाम लेके यात्रा को शुरू करेंगे। तो आइए मेरे साथ। लाठी लेके जाना काफी अच्छा रहता है, लेकिन फिलहाल हम अभी नहीं लेंगे, आगे लेंगे अगर जरूरत महसूस हुई तो। ये देखिए ये व्यू। ये बुजुर्ग लोग जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो पालकी होती है, ये पालकियां यहाँ पे रखी हुई है। फिलहाल इनका यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब कुछ बना रहे हैं, इनका कुकर बड़ा शानदार है। क्या बना रहे हैं आप खाने में? क्या चावल? ओके, तप्त कुंड का रास्ता यही है। धन्यवाद जी। मैं पहले भी केदारनाथ जी की यात्रा कर चुका हूं, लेकिन उस वक्त तप्त कुंड का मुझे ध्यान नहीं था, इसलिए मैं यहां स्नान नहीं कर पाया था। ये नेचुरल गर्म पानी का स्रोत है। पानी काफी गर्म था, इसलिए मुझे ये जो पाइप से नॉर्मल पानी आ रहा है, ठंडा पानी, इसको थोड़ा मिलाना पड़ा था, तब जाके इसका टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग हुआ था। तो दोस्तों, तप्त कुंड में हम दोनों स्नान कर चुके हैं, मैं और हिमांशु, और अब हम यहाँ से जाएंगे नाश्ता करने के लिए। और ये जो एक एक्स्ट्रा बैग है, इसमें हमने एक्स्ट्रा सामान रख दिया है हमारी आगे की यात्रा वाला, इसे हम लॉकर में रख देंगे, और एक बैग के अंदर जो बहुत जरूरत का सामान है वो लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले नाश्ता किया जाए। खाने के लिए फल भी उपलब्ध है, और आपकी यात्रा से रिलेटेड सारा सामान यहाँ मौजूद है। अगर आप किसी कारण से घर से लाना भूल जाते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। गौरीकुंड में आपको सब कुछ मिल जाएगा, गर्म कपड़े, शूज, सब कुछ। ये देखिए गर्म कपड़े। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट से पहले हमने सोचा लॉकर रूम आ चुका है, तो पहले एक्स्ट्रा बैग इसको रख देते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। हेलो भाई साहब,
तो ये जो सामने आप अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस देख रहे हैं, इसी के यहाँ पे लॉकर रूम है जहाँ पे हमने बैग रख दिया है। एक बैग के इन्होंने चार्ज लिए हैं 50 रुपीज। तो आपका जो भी एक्स्ट्रा सामान है आप यहाँ पे रख सकते हैं, और आगे की यात्रा के लिए एक छोटा सा बैग लेके उसमें जरूरी सामान रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब नाश्ता किया जाए। आज जो है 14 अक्टूबर है, 14th of October, हमारी यात्रा का दिन। हम दोनों ने जैकेट पहन तो लिया, लेकिन अभी गर्मी लग रही है तो जैकेट खोलना पड़ेगा। रोटी रोटी सब्जी दो प्लेट, रोटी सब्जी ली जाएगी, थोड़ी एनर्जी आए। मैगी का मजा हम ऊपर लेंगे, थोड़ा ठंड होगी जब। खाने की थाली आ चुकी है भैया, 3 सब्जी है, चना दाल, ये शायद बैंगन है मिक्स, और मेरी थाली भी आ चुकी है साथ में प्याज। गौरीकुंड से हम लोग बाहर आ चुके हैं। असली चढ़ाई अब शुरू हो रही है। मौसम बहुत ही बढ़िया है। और ये पहाड़ पे से नीचे बह के आती हुई जलधारा जो मंदाकिनी नदी के पानी में ही मिल रही है। मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब है, ज़ुकाम है, तो मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी आपको बदली हुई लगे। और ये हिमांशु के अंदर का छोटा बच्चा जाग चुका है, ये पानी देख के इसके पास जा रहा है। चलने का जो मजा है वो इस टैटू पे नहीं आएगा। जब हमारी बॉडी इस लायक नहीं रहेगी कि हम लोग चल सकें, तब हम इस सेवा का आनंद उठाएंगे। 11 नंबर की गाड़ी ही अभी अच्छी है हमारे लिए। ब्रेकफास्ट किया ही है इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमें थकान कम से कम हो। जैसे जैसे खाना पच जाएगा हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। जय बोले। बिल्कुल धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम कोई जल्दी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अभी 11:45 हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम रात को 8 बजे वाली जो आरती होती है वो अटेंड कर सकें। उसके बाद में हम कल सुबह नहा धो के जल्दी दर्शन करेंगे फिर से बाबा केदार के। जय भोले। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कृपया धीरे चले एवं प्रकृति का आनंद ले। और ये जंगली गिरगिट, वैसे गिरगिट जंगली ही होते हैं, इंडिया के अंदर पालतू गिरगिट तो पाए नहीं जाते हैं।
यहाँ से जंगल चट्टी जो है 3 किलोमीटर दूर है और केदारनाथ जी जो है 15 किलोमीटर दूर है। अब फिलहाल हम भी यहाँ से लाठी ले लेते हैं। कितने की भाई साहब? 30 की 40। फाइनली हम दोनों ने लाठियाँ ले ली है और इसका हमेशा फायदा मिलता है। तो इस यात्रा में आपको ऐसे मन भावन नज़ारे मिलते रहेंगे। भोले बाबा का नाम लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। जय भोले। 2 साल पहले जब मैं इस यात्रा पे आया था, उस वक्त मैं बिल्कुल यात्रा की जो शुरुआत होती है, जब पट खुलते हैं केदारनाथ जी के, चार धाम यात्रा शुरू होती है, उस वक्त आया था। और इस बार आया हूँ जब यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ रही है, दीपावली के 2 दिन बाद में यहाँ के कपाट, यहाँ के पट बंद हो जाएंगे। फिर 6 महीने तक भोले बाबा विश्राम करेंगे और फिर उसके बाद में जब पट खुलेंगे तो यात्रा फिर से शुरू होगी। ये देखिए पानी की धारा। तो दोस्तों, काफ़ी चलने के बाद में अब हम यहाँ पे आके रुके हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बेंचेस लगी हुई हैं, बीच बीच में ऐसा हर जगह है इंतज़ाम, खाने पीने के लिए भी आपको चीज़ें मिलती रहेगी, पानी भी मिल जाएगा, आप रोटी वगैरह कुछ भी आपको चाहिए वो इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा रेस्ट होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे और आधा किलोमीटर बाद में करीबन हमें पहला रेस्ट पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं वो मिलेगा, गणेश चट्टी। तो 2-3 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में यात्रा फिर शुरू। हाँ जी अंकल, आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से हैं, बाबा आदित्यनाथ जी के ये पूजा स्थली से। अच्छा जी, तो ये आपकी पहली यात्रा है या आप पहले भी आ चुके हैं? पिछले साल और आए थे हम, और इसी नवरात्रि के टाइम में आए थे। अभी नवरात्रि के बाद ये नवरात्रि और दिवाली के बीच में आए हुए हैं। आपके साथ में ये कौन आए हैं? ये हमारे साले साहब हैं। जीजा साले की जोड़ी देखिए आप। और इनका नाम श्री सोमनाथ जी है। सोमनाथ अंकल जी, शिव जी का ही नाम है आपका नाम जो है, तो जीजा जी जैसा कहेंगे वैसा आप करेंगे। ये डायलॉग बेसिकली बंधन मूवी थी सलमान खान की, जैकी श्रॉफ की, उसमें ये था। तो मुझे दोनों अंकल जी की जोड़ी देख के डायलॉग याद आ गया। हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जय भोले, जय भोले, जय श्री केदारनाथ महाराज की जय। और ये देखिए दर्शन करके यात्री लौटते हुए टट्टू की सवारी करते हुए। हिमांशु की पहले इच्छा थी कि पैदल ही चलेंगे, फिर थोड़ी थकान हुई तो हिमांशु ने कहा नहीं नहीं टट्टू पे बैठते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा सा फोर्स किया तब इसने कहा हाँ भैया ऐसे ही चलेंगे। मैं थक जाऊंगा तो मैं टट्टू पे बैठूंगा भैया, अभी भी वो बोल रहा नहीं। लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि सबसे मतलब ये जो है तकलीफ वाली यात्रा जो है टट्टू की यात्रा है। अच्छा, हम टट्टू की यात्रा कर चुके हैं, वो मौत से भी ज्यादा अखरता है उस पर टट्टू पर बैठने के, वो कमर का दर्द। इसलिए जो है हम अभी इस साल, पिछले साल हमको जबरदस्ती लोग टट्टू पर बैठा दिए थे, इसलिए हम भगवान केदारनाथ जी को बोल के गए थे कि एक बार हमें पैदल यात्रा में, पिछले बार भी सोचे थे पैदल यात्रा करें, तो इसलिए बाबू हमारा ये है, ठीक है राय है कि आप टट्टू पर मत बैठिएगा। ठीक है, अब क्या इरादा है मानशु? नहीं थोड़ा लेट पहुंचेंगे पर पैदल ही चलेंगे। इसमें आराम है, इसमें आराम, इसमें अपनी इच्छा से जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ तो सांस भी नहीं ले सकते अपनी इच्छा से, टट्टू जैसा चलेगा वैसा ही आपको रहना। और उसका बैलेंस बिगड़ा तो जैसे धड़ाम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो धीरे धीरे हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पीछे प्रसिद्ध गोरखपुर के जो प्रसिद्ध जीजा साली की जोड़ी है वो भी आ रही है। वो देखिए इनका जोश वास्तव में काबिले तारीफ है। और अब आपको दिखाते हैं एक शानदार नजारा, दिखाइए मंशु। बर्फीले पहाड़, थोड़ा ऊपर आके हमें बर्फ दिखना चालू किया है। आज सूर्यदेव अपना पूरा तेज दिखा रहे हैं, बादलों के पीछे छुप जाए थोड़ा मजा आ जाए। अब और कुछ
ये देखिए एच लिखा हुआ है और ये शायद हेलीकॉप्टर के लिए बनाया हुआ हेलीपैड ही है अगर हम गलत नहीं है तो, क्योंकि इस तरीके से एच और थोड़ा प्लेन हिस्सा वहीं बनाया जाता है जहां हेलीकॉप्टर उतर सके, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए होगा शायद ये। और भोले के भगत हिमांशु नाचते हुए। चलो दोस्तों, चलते चलते हम जिस पॉइंट पे आए हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा भैरव जी का मंदिर, ये देखिए। जय भोले, वीरवासा भैरवनाथ मंदिर है ये। ऊपर भोजन व्यवस्था केंद्र या रेस्टोरेंट भी है। चलिए अब ज्यादा विश्राम करना सही नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर विश्राम करेंगे तो जो बॉडी गर्म हुई है अभी चलने से वो ठंडी हो जाएगी और फिर से हमें ज्यादा थकान होगी। तो लेके भोले का नाम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जय भोले, जय भोले, ऑफ द जोश, ऑलवेज हाई। सर पे तेरे गंगा मैया बिराजे, मुखड़े पे चंदा मामा जी। चंदा मामा नाम से पहले एक बच्चों की बुक आती थी, स्टोरी बुक। हाँ, कौन सी? चंदा मामा। अच्छा, वो काफी अच्छी होती थी, कहानी आती थी बहुत सारी, जैसे चंपक नंदन। अच्छा, वो बालहंस वो राजस्थान में होती थी। हाँ। राजस्थान पत्रिका की तरफ से थी। तो एक टाइम पे कॉमिक्स पढ़ने का काफी शौक था, अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं जिंदगी कॉमिक्स बन चुकी है। बहुत गहरी बात है ये। देखिए झरना, और आ चुका है जंगल चट्टी। ये चिकित्सा सुविधा केंद्र है यहाँ का, अगर किसी यात्री को कोई समस्या हो, बीमार हो जाए तो वो यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। ये देखिए बोर्ड के अनुसार केदारनाथ जी जो है 10.5 किलोमीटर और है। यहाँ बाबा जी अपनी धुनी रमाए में। क्या हुआ हिमांशु? कुछ बोल। 5 किलोमीटर आ गए हैं, थकान काफी अच्छी तरह से हो चुकी है, देखते हैं कितना और चल पाएंगे। लेकिन क्या जोश में कमी है? नहीं, जोश तो हमेशा ही रहेगा। आगे देखते कट्टू वट्टू मिल जाए तो मनीष गया। नहीं, टट्टू पे तो मैं तो नहीं बैठूंगा, तू बैठ सकता भाई, मैं तो टाइम लगे पैदल ही जाऊंगा। ये बह के आता हुआ पानी। तो फिलहाल अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और अंकल ने मुझे खाने के लिए, हिमांशु को खाने के लिए एक बहुत ही शानदार चीज दी है, वो आप देख सकते हैं, ये खजूर। इनको खा के अभी थोड़ी एनर्जी आएगी और हमारी यात्रा जो है थोड़ी और तेजी से आगे बढ़ेगी। जय भोले, आइए जय भोले, आप लोगों के लिए भी है। और दूर सामने जो पुल दिखाई दे रहा है उसे पार करके हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे। अब तक हम नदी के लेफ्ट हैंड साइड में ही चल रहे थे और आगे आप देख सकते हैं पहाड़ का वो हिस्सा कैसे टूटा हुआ है। केदारनाथ में जब तबाही आई थी तो बहुत कुछ तहस नहस हो गया था। रामबाड़ा नाम से एक जगह थी जो कि पूरी तरह खत्म हो गई, वो उसके जो अवशेष हैं हम आपको दिखाएंगे जैसे हम वहां पे पहुंचेंगे। तो जिस जगह हम पहुंच चुके हैं ये जगह है भीमबली,
और यहाँ से जो दूसरे स्थान है उनकी दूरी कितनी है अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो भीमबली में आप देख सकते हैं वाईफाई जोन भी है, यहाँ पे आप कुछ भी इंटरनेट का यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे तो बीच बीच में नेटवर्क आ रहा था जा रहा था, और केदारनाथ जी में नेटवर्क मिलता ही मिलता है, तो ध्यान रखें आप। अगर आपने कुछ अच्छे फोटोज़ क्लिक किए हैं तो आप अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए पहाड़ी भेड़, छोटा सा बच्चा, एग्रेसिव होना पड़ता है, दुनिया में जीना है तो एग्रेसिव होना जरूरी है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये रामबाड़ा वाला जो रास्ता था ये बिल्कुल बंद था, मैं उस तरफ वाले रास्ते से गया था जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा पड़ता है इस रास्ते के मुकाबले। ये वाला रास्ता भी आगे जाके उस पुल से उसी रास्ते में मिल जाएगा, लेकिन हम 1.5 किलोमीटर कम चलेंगे इस रास्ते में। और ये देखिए मंदाकिनी नदी का ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है कैसे दूध के जैसे सफ़ेद है। केदारनाथ फिल्म में जो आपने तबाही के जो सीन्स देखे हैं वो असली तबाही जो आई थी उसके सामने कुछ भी नहीं है, और जैसे ही मैं केदारनाथ जी वाली जो तबाही वाली जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, ये देखिए अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल ने इस चट्टान को छेल रखा है ताकि मैं यहाँ से नीचे से निकल सकूं। थैंक यू अंकल। वैसे बता दूं आपको, अंकल पहले मर्चेंट नेवी में थे और आज भी अंकल बिल्कुल फिट है, 67 ईयर्स ओल्ड नहीं, आप यंग हैं। वो कहते हैं ना कि उम्र, ठंड और बेइज्जती आप जितना महसूस करोगे उतनी लगेगी, तो इसलिए कभी ज्यादा फील नहीं करनी चाहिए एज। अभी तो मैं जवान हूँ, वो सॉन्ग हमेशा मन में गुनगुनाना चाहिए, क्यों अंकल? तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा में, और अभी हमने यहाँ पे एक टी ब्रेक लिया है, चाय की चुस्कियाँ लेंगे, गरम गरम चाय अंदर जाएगी, थोड़ा सा ये जो सर्दी का सा फील हो रहा है इसको दूर भगाएगी। तो चलिए चाय का मजा लेते हैं रामबाड़ा में। ये 2013 में जो तबाही आई थी उस टाइम पे अंकल जी यहाँ पे थे, तो 8:30 बजे रात को 16 तारीख को आया एक फ्लैट, फिर जो है वो उतना बड़ा नहीं है, फिर सवेरे 8:30 बजे फ्लैट बड़ा आया, उसने यहाँ पर जो है बहुत भीड़ थी, ये रामबाड़ा में गौरी कुंड के यात्रे भी और केदारनाथ से नीचे जाने वाले यात्रे जहाँ पर सब खाना खाना चाय पाना नाश्ता के रुके थे, बारिश बहुत मौसी थी, 3-4 दिन से लगातार बारिश थी, ओ इतने में जबरदस्त फ्लैट आया भगदड़ मच गई, तो कोई तो जंगल की तरफ भागे, कोई हिमालय में दब गए। आप किस ओर से निकले थे यहाँ से? फिर हम तो यहाँ से ऊपर गए जंगल, यहाँ से जो पीछे की तरफ से वहाँ ऊपर जंगल गए, फिर वहाँ से जो है सामने भीमबली में निकले, हम तो भीमबली में वहाँ पे रास्ता था, रास्ता ये था जंगली जंगल की ऐसे, हाँ जी आइडिया से गए गया 4 नौ तो सब यहाँ पर 150 दुकान थे करीब, सब तबाह हुई यहाँ पर भी, सब ये मलबा भरा हुआ, ये दुकान तो नीचे थी सड़क के निबड़ थी, ये सब मलबा भरा हुआ है इसके अंदर नीचे जो है दुकान, ये सब डेड बॉडी भी है इसके नीचे, और पत्थर भी होंगे, रेता बजरी लकड़ी पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं है। बस यही कामना है प्रभु से कि दोबारा फिर कभी ऐसा ना हो। अरे महाराज ये तो पता नहीं क्या बात, प्रकृति की लीला तो प्रकृति जाने, लेकिन हम जो कामना कर सकते हैं वो तो यही है। लीजिए चाय तैयार हो चुकी है, सबसे बड़ी हाँ वो रास्ता जो है पैदल भी है घोड़ा भी है, और ये जो है ये आपदा के बाद पहले यही रास्ता बना, वो पुल बनने में वहाँ थोड़ा इसमें टाइम लगा, तो ये 1.5 किलोमीटर छोटा ये रास्ता उस रास्ते से, पहले यहाँ से 7 किलोमीटर था, अब 9 किलोमीटर हो गया,
दो किलोमीटर बढ़ गए हैं। दो किलोमीटर बढ़ गया, वो बैंड बढ़ गई, चढ़ाई है ना। हाँ जी, उस रास्ते तो बैंड बढ़ गए। आ गया आ गया, चाय आ गई है, चाय आ गई, तो हम भी तैयार हैं। शिव जी ने यहाँ पीने वाले टी ब्रेक के बाद में यात्रा फिर से स्टार्ट हो चुकी है और अभी फिलहाल हम नीचे उतर के ये पुल पार करेंगे और फिर उस तरफ हमें ऊपर की तरफ चढ़ना होगा। चढ़ाई देखने में काफ़ी लग रही है इसलिए हम धीरे 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 जाएंगे। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहाँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना ज़ोर नहीं आता है जितना सीढ़ियाँ उतरने में आता है, क्योंकि पूरे बॉडी का जो वेट है वो घुटनों पे आ जाता है। अब थोड़े शेकी वीडियो के लिए आपको मुझे माफ करना ही होगा। आ जाओ, आजा आजा, कितना साफ पानी है ये। और सामने वही तबाही के निशान 2013 की। पुल हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए धीरे धीरे ही चलना सही रहेगा। वैसे केदारनाथ जी की जो चढ़ाई है ये अगर कंपेयर करें रुद्रनाथ जी की चढ़ाई से तो ये उसके मुकाबले इजी ही कहूँगा मैं। रुद्रनाथ जी की चढ़ाई कैसी है ये आप मेरे रुद्रनाथ यात्रा वाली वीडियो में देख सकते हैं। वो यात्रा भी बहुत अच्छी रही थी। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है जैसे देख के आप कहेंगे कि शाम के 5-6 बज गए हैं। हिमांशु का वैसे बहुत मन कर रहा है कि टट्टू के ऊपर बैठ के बाकी यात्रा को पूरा करे, लेकिन मैं उसे किसी भी हालत में नहीं बैठने दूंगा। जब आधी यात्रा ऐसे ही कर ली है तो बाकी की आधी यात्रा को भी पैदल यानी 11 नंबर की गाड़ी में पूरा करना चाहिए। और दर्शन का मज़ा तभी है जब थोड़ा कष्ट उठाया जाए, अदरवाइज तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ 2013 वाली जो तबाही थी वो कैसे निशान पीछे छोड़ गई है। वहां पे कभी रामबाड़ा हुआ करता था, 150 से ज्यादा दुकानें होती थी जैसा कि चाय वाले अंकल जी ने बताया था, लेकिन आज ऐसा नजारा है। देख के दुख तो होता है लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। हेलीकॉप्टर सेवा लगातार यात्रियों को लेके जा रही है। ये लीजिए सामने से गोरखपुर वाले अंकल आते हुए, इनसे भी यहीं इस यात्रा पे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके। और पीछे आ रहा है हिमांशु, उसका ऐसा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही है। हर हर महादेव।
जय शिव शंकर। तो दोस्तों मैं अब यहाँ उस टीन शेड के नीचे आ चुका हूँ जहाँ पे ये दोनों रास्ते जो मैंने आपको दिखाए थे दोनों आगे मिलते हैं। मेरे सहयात्री जो हैं हिमांशु और वो दोनों अंकल अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, और जैसा कि अक्सर यहाँ पे होता है, हमेशा होता है, यहाँ पे 2 बजे के करीबन बारिश का सा मौसम हो जाता है और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है, तो मैं उनका वेट करता हूँ। होपफुली ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो हम लोग सीधा आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज़ हमें थोड़ा यहाँ वेट करना पड़ेगा। अभी आपको मैं दोनों रास्ते दिखा देता हूँ। ये देखिए वो दूसरा रास्ता जिस रास्ते से हम लोग नहीं आए थे, जो करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा था, और ये वाला जो रास्ता यहाँ पे आ रहा है इस रास्ते से हम लोग आए हैं, ये थोड़ा छोटा था। और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से आगे केदारनाथ जी का रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो चुकी है, इस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा एक मैगी ब्रेक के लिए। ये देखिए मैगी भी आ चुकी है, चम्मच और दे दो, और बारिश कितनी तेज है ये भी आप देखिए। खाइए गर्मा गर्म मैगी, खाइए और खुशी मनाइए। इस मौसम में इस मैगी का कुछ अलग ही मजा होता है। फिलहाल जुकाम बढ़ चुका है मेरा, एक एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ेगी जिसके मैं सब खिलाफ हूँ, लेकिन वेदर कंडीशंस ऐसी है लेना पड़ेगा। बारिश रुकने के बाद में हमने यात्रा शुरू की है, लेकिन यहाँ पे शायद एक यात्री को घोड़े ने गिरा दिया है जो घोड़े पे बैठा हुआ था, तो ये बड़ा रिस्की काम भी हो जाता है। ये देखिए ये वो घोड़ा है, भाई साहब की काफी चोट आई है। ये है वो घोड़ा, और ये पीछे धीरे धीरे आता हुआ हिमांशु। इस समय बैग ले चुका हूँ उसके बाद में भी ये धीरे आ रहा है, पहले तो इसने बैग का बहाना कर दिया था। ये है देश की युवा शक्ति, देखिए वो देख उसने गिरा दिया अभी, वो गिरे हुए अंकल वो देख, ये देख ना तू चाहता है तेरा यहाँ हालो। चलिए अब आगे ही चलना होगा हमें, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है। पर ये शॉर्टकट लेते हुए लोग, लेकिन हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, शॉर्टकट लेना बड़ा महंगा साबित हो जाता है कई बार। तो जय भोले की कहते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, यही है मुझे कहना। नौजवानों को सलाह है, बोलिए बोलिए, 25 साल से पहले यात्रा कम्प्लीट कर ले, मतलब पैदल आना हो तो, बाकी तो इम्पोसिबल है आज के मौसम। क्यों इम्पोसिबल है, हमारी उम्र क्या है भाई, आपकी उम्र, आपने खाया पिया है, हमारी उम्र के ऊपर नाम बता दो, ऊपर नवीन, अभिषेक, आयुष, चितवन, अजय, सब जो भी है भैया 25 से पहले आ जाओ, बाकी तो नहीं होगा अपने से, बोले मनीष को लेके चल रहे इसलिए आरोप में भी देखिए। हिम्मत करने से ही ऐसी यात्राएं पूरी होती है, अगर यात्रा के अंदर आप पहले ही हौसला हार जाएंगे तो यात्रा आपकी पूरी होगी नहीं। यहाँ टट्टू पे बैठ के आपको थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन कभी कभी जैसी घटना आपने अभी पीछे देखी थी वैसी भी हो जाती है, और वो दुर्घटना बड़ी ही खतरनाक साबित होती है। चाहे कितनी थकान हो, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि पैदल ही चला जाए, जब तक शरीर साथ देगा तब तक तो यही करेंगे, बाकी भोले की मर्जी। बस मैंने जो अपने नौजवानों को सलाह दी है वो थोड़ा इम्प्लीमेंट करें, आइए जगह काफ़ी अच्छी है, पैदल मत आना भाई साहब। नहीं पैदल ही आना, मैं यही कहूँगा, यात्रा तो, का मजा पैदल ही है। हाँ तो शादी से पहले 25 से पहले बाकी तो नहीं है भैया, मेरी 24 में हालत खराब हो गई। लिंचौली जो है अभी करीबन 2 किलोमीटर दूर है, और बोर्ड पे लिखा हुआ था केदारनाथ की यहाँ से जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है,
अब उम्मीद करते हैं ये सही ही होगा, नहीं भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो जाना है बाबा के दर्शन के लिए, तो अब जितने भी किलोमीटर हैं जाएंगे। जैसे जैसे मंदिर के करीब बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जोश भी बढ़ता जा रहा है। ये देखिए ये बोर्ड क्या कहता है, श्री केदारनाथ 6 किलोमीटर, बेस कैंप 4.5 किलोमीटर, छानी कैंप 2 किलोमीटर एंड बड़ी लिंचौली 1 किलोमीटर। ये जा रहा हेलीकॉप्टर। तो अब हम लिंचौली के पास पहुंचने ही वाले हैं और अब मैं दिखाऊंगा आपको एक बहुत ही शानदार नज़ारा। ये जो छोटे से एक बादल को दिखाऊंगा मैं आपको, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देख दिखाई दे रहा है। इतनी चढ़ाई के बाद में अब थोड़ी सी ढलान आई है तो पैरों को अच्छा लग रहा है। हिमांशु अभी भी पीछे है और वो जो गोरखपुर वाले जो अंकल जी थे वो हमसे दूर आगे जा चुके हैं। ये देखिए वो बादल जो मैं बता रहा था आपको, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और यहाँ ये एक और वाटरफॉल, ये देखिए ये थोड़ी सी ढलान है अभी जो वापसी के टाइम पे हमारे लिए चढ़ाई का रोल प्ले करेगी। हिमांशु ने बीच में एक शॉर्टकट ट्राई किया था लेकिन उससे पहले मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां से उसे इस मेन रास्ते पे आना था। हेलीपैड अब थोड़ा सा ही ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बस यही कहना है, प्यार की कश्ती में भोले की मस्ती में धीरे धीरे आगे बढ़ो। यही मानसी मुझे वहां से आवाज दे रहा है। आवाज नहीं आएगी तेरी इसमें, पास में आ। मजा आया ना इसमें, अब यही तेरे लिए चढ़ाई हो जाएगी जब तू वापस जाएगा। मौसम भी बड़ा औसम वाला है। आप इधर देखिए भैया, दिखा चुका हूँ मैं वो बादल, उससे पहले एक बार ये वाटरफॉल वापस से दिखा देता हूँ। और ये देखिए सफेद घटा छाई है। चांदनी फिल्म में जो गाना था उसमें तो था कि पर्वत पे काली घटा लहराई, लेकिन यहाँ पे सफेद बादल है रुई के गुच्छों जैसे। ये देखिए नजारा। और ये जो तबाही के वक्त लैंडस्लाइड हुई थी ये वो है। तो दोस्तों 6:20 हो चुके हैं और अभी भी हमारी जो मंजिल है केदारनाथ जी का मंदिर 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है और नज़ारा भी कुछ ऐसा है जो आप देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट की धीमी धीमी रोशनी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आपको बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, चारों तरफ बादल ही बादल है। और ये देखिए आसमान का रंगीन नज़ारा। गोरखपुर वाले अंकल हमें मिल चुके हैं, फाइनली हम उन तक पहुंच ही गए और अब एक साथ ही दर्शन करने का सोच रखा हम लोगों ने, देखते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। मंदिर अभी भी थोड़ा दूर है लेकिन आप देख सकते हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम जो है आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है।
आगे लाइट्स जो जल रही हैं उनके पीछे ही है बाबा केदारनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर। 8 बज चुके हैं और सामने दिखाई दे रहा है केदारनाथ जी का मंदिर। अंदर दर्शन हो तो रहे हैं अभी, लेकिन आरती हो चुकी है। जैसे जैसे यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ती है वैसे वैसे आरती जल्दी होने लगती है। तो जैसा हमने सोचा था कि 8 से 8:30 आरती होगी, वैसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह अच्छे से दर्शन करेंगे बाबा केदार के। दर्शन बंद हो चुके हैं आज के। यहाँ भाई एक बाबा जी बैठे हैं। यहाँ से जो पहले मंदिर में अंदर गए हुए थे वो यात्री दर्शन करके बाहर आ रहे हैं, नए यात्री भी अंदर नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं काबरा निकेतन में, जो मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल सामने स्थित है। यहाँ पे हमें रूम मिल चुका है, वो भी आपको जरा दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है रूम, जो यहाँ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। जो लोकेशन है इसकी बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के सामने है। इसकी लाइट कहाँ है, इसकी लाइट, हाँ जी इसकी लाइट यहाँ है। वेस्टर्न टॉयलेट है तो सर्दी में दिक्कत नहीं होगी, बाकी मैं ये कहूँगा अच्छा इंतजाम है। गोरखपुर वाले अंकल पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो मंदिर की परिक्रमा करने का कहा था उन्होंने, अब अगर वापस दिखते हैं तो हम उन्हें ये प्लेस सजेस्ट कर देंगे। ये देखिए आप, वो सामने दिख रहा केदारनाथ जी का मंदिर, देख सकते हैं आप। मेरी आवाज थोड़ी जुकाम की वजह से भारी हो गई और थोड़ा चेंज हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं। हम लकी रहे कि हमें नहाने के लिए गर्म पानी मिल गया। और अब आपको मंदिर जाने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ पीछे का शानदार नजारा। हिमांशु दिखाइए जरा, ये देखिए बर्फ से ढकी चोटियां, स्नो केदारनाथ मंदिर के पास। गर्म पानी मिल गया, बाकी हमें विश्वास नहीं था कि आज गर्म पानी मिलेगा, पर मिल गया। चलते हैं मंदिर की तरफ, दर्शन करते हैं। जय भोले, जय भोले। आइए ये देखिए, ये वाली बिल्डिंग भी काफी अच्छी है, नेपाल भवन है ये जो आप सामने देख रहे हैं, और ये उसी स्टाइल में बना हुआ जैसे कि नेपाल में हुआ करते हैं। और ये देखिए केदारनाथ जी के मंदिर का शानदार दृश्य, बहुत ही मनभावन दृश्य है। पीछे आप देख सकते हैं बर्फ से ढकी पहाड़ियों का व्यू, जो वहां से इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं। तो इस व्यू को आप कैसे मिस कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहां आना ही चाहिए। और जो लोग यहां नहीं आए हैं वो तो आए ही आए, और जो आ चुके हैं वो दोबारा दर्शन कर ले। भोले बाबा की जितनी बार दर्शन करेंगे उतना अच्छा है। तो लीजिए थाली लेके हम तैयार हैं, अब लगते हैं लाइन में, अब देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। वैसे भाई साहब ने बोला है आधा घंटे में नंबर आ जाएगा। आइए वांछू, आइए जरा लाइन में लगा जाए, आइए।
दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हमें करीबन एक घंटा हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं और धूप निकल चुकी है, इस वजह से अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब हल्की हल्की धूप और कम। अब बस थोड़ी देर के अंदर हम अंदर जाएंगे दर्शन करने। अब ये नहीं पता कि वहाँ पे हम शूट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर मंदिरों के अंदर अंदर शूट नहीं करने देते हैं, तो यहाँ तक के नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, मोदी जी गुफा दीजिए, वो उसके पीछे है, वहाँ पीछे कहीं पे है वो गुफा जिसमें मोदी जी ने साधना की थी, अब इसमें दिखेगी नहीं। मंदिर के और करीब पहुंच चुके हैं, जल्दी हम इसके भीतर दाखिल होंगे। धूप जो है इतनी सुहा रही है, बता नहीं सकता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी लग रही है धूप। इससे आगे शूट करना पॉसिबल होगा नहीं। और दर्शन के बाद में अब हम बाहर आ चुके हैं, दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुए थे और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, अभी नीचे जो अंदर थे मंदिर में, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे सुपरस्टार रजनीकांत भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब अगर वो सही में आ रहे हैं और जल्दी आ गए तो वो भी आप हमारे इस वीडियो में देख पाएंगे, अदरवाइज हमारा टारगेट तो अब आगे तुंगनाथ जी की यात्रा के लिए जाना है। तो हिमांशु, जय भोले जय। कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया, मजा आया। कैसा फील हो रहा है? अच्छा, अद्भुत। चलिए अब आपको मंदिर का चारों तरफ से नजारा दिखाते हैं, परिक्रमा करेंगे हम। सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा हमेशा यूं ही होती है, तो चलिए परिक्रमा की जाए। ये रात में देखा था आपने, बाबा जी बैठे थे। जय भोले जय भोले। अब हम मंदिर की परिक्रमा ही कर रहे हैं। कहाँ से? कहाँ? अंदर अंदर कर रहे हैं। बाहर बाहर से भैया। इसी तरीके से हम भी लाइन में लगे थे और करीबन एक घंटे बाद में हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चल पहले एक और परिक्रमा पूरी कर। हाँ, ये देखिए मंदिर का लेफ्ट वाला भाग। जय भोले। हिमांशु, बाबा जी आप कितने साल से हैं यहाँ पे? बाबा जी कई सालों से हैं यहाँ पे
और ये देखिए आपको त्रिशूल दिखाता हूँ मैं, ये देखिए और अब आपको दिखाते हैं वो शिला जो 2013 में प्रलय हुई थी, जल प्रलय, उस वक्त मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आ गई थी और इसने उस धारा के प्रवाह को रोक लिया था, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया था। ये देखिए मंदिर का पीछे वाला भाग, यहाँ उस चट्टान तक भी हम जाके आते हैं। हिमांशु भीमशिला कहा जाता है इसे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जय भोले बाबा। पुरोटा तुलगा हो और इसी के साथ हमारी ये परिक्रमा पूर्ण होती है। इसी गेट से हम दर्शन करके बाहर आए थे। यहाँ से हम बाहर आए थे। ये लीजिए सुपर स्टार रजनीकांत दर्शन के लिए आ रहे हैं। हलाई वाह। तो देखा आपने सुपरस्टार रजनीकांत आ चुके हैं, हमारे भी दर्शन हो चुके हैं, तो अब हम भी आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए जरा हिमांशु से भी जानते हैं इनको कैसा लगा दर्शन करके और सुपरस्टार रजनीकांत को देख के। रजनीकांत एकदम सिंपल सोबर आदमी, चुपचाप आया, चुपचाप अंदर गया, फोटो वोटो कुछ नहीं खींचा। अब आते देखते बाद में क्या होता है। बाकी अंदर मंदिर काफी अच्छा है, बाहर एटमोसफेयर भी काफी बेटर है और सब। एक बार आना चाहिए जल्दी, वो भी पैदल। अब हिमांशु भी ये बात बोलता है कि आना चाहिए तो पैदल ही आना चाहिए। टांगे हाथ पांव दर्द करते हैं, बहुत ज्यादा दर्शन करके सब नॉर्मल हो जाए। तो बस केदारनाथ जी की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय भोले, जय भोले, जय शंकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें।